सो ये है Realme Buds Air 5 Pro और ये है लेटेस्ट OnePlus Buds 3। दोनों ही मिड रेंज प्राइस कैटेगरी के हाई रेंज ऑडियो कोडेक के साथ आने वाले ईयरबड्स है। तो आज के इस वीडियो में इन दोनों को डिटेल में कंपेयर करेंगे, इनकी एग्जैक्ट ऑडियो भी आपको सुनाऊंगा, साथ ही बाकी सभी फीचर्स को भी डिटेल में चेक करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि OnePlus और Realme दोनों ही Oppo के सब ब्रांड्स हैं। इन सभी की पेरेंट कंपनी भी एक है, इसलिए आपको इन दोनों में लगभग सेम ही फीचर्स और स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे। OnePlus की प्राइस 5500 रुपीज है और Realme की 5000 रुपीज है। लगभग 500 रुपए का प्राइस डिफरेंस दोनों में है। तो क्या 500 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना OnePlus के लिए वर्थ है या फिर कम प्राइस में Realme एक बेटर ऑप्शन है? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं इनके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। लुक्स के मामले में दोनों एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। ऑलरेडी दोनों की रिव्यू वीडियो में इनको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसके लिए आप उन वीडियोस को देख सकते हो। अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो दोनों ही प्रीमियम बिल्ड के साथ आते हैं। Realme में ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलेगी जिस पर स्क्रैचेस वगैरह जल्दी आते हैं, लेकिन OnePlus में मैट फिनिश है, इस वजह से स्क्रैचेस वगैरह आपको जल्दी दिखाई नहीं देते। अगर दोनों के ईयरबड्स की बात करें तो दोनों ही फुल स्टेम इन ईयर डिजाइन वाले ईयरबड्स है। Realme में आपको सेम ही फिनिश मिलेगी जो केस पर है, लेकिन यहाँ पर OnePlus के ईयरबड्स में आपको ग्लॉसी फिनिश मिलती है जो दिखने में ज्यादा प्रीमियम लगते हैं। फिटिंग और कंफर्ट दोनों की सही है, रनिंग और जिम वगैरह के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा Realme में IPX5 और OnePlus में IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलेगी, तो IP रेटिंग के मामले में क्लियरली OnePlus विनर है। देखो, लुक्स और डिजाइन अपने अपनी चॉइस हो सकती है। पर्सनली मुझे OnePlus का डिजाइन थोड़ा सा बेटर लगा, लेकिन अगर बात आती है बिल्ड क्वालिटी की तो IP रेटिंग की वजह से OnePlus के पास एक्स्ट्रा एज है। लेकिन अगर दोनों के प्राइस डिफरेंस को कंसिडर करें तो दोनों को ही मैं दूंगा 4.5/5 स्टार। अब बात करते हैं दोनों के ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की। तो Realme Buds Air 5 Pro आते हैं ड्यूअल ड्राइवर्स के साथ, जिसमें 11mm के बेस ड्राइवर्स, 6mm के ट्विटर्स, LDAC ऑडियो कोडेक, हाई रेजोल्यूशन ऑडियो सर्टिफिकेशन, डॉल्बी एटमॉस, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, गूगल फास्ट पेयर, डुअल डिवाइस पेयरिंग, Realme लिंक ऐप का सपोर्ट, 6 माइक्रोफोन्स, AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन अप टू 50 dB नॉइस रिडक्शन, IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड, 40 ms की लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 7 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 40 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। इसके अलावा OnePlus Buds 3 भी आते ड्यूअल ड्राइवर्स के साथ, जिसमें 10.4mm के वूफर्स, 6mm के ट्विटर्स, LHDC हाई रेज ऑडियो कोडेक, TUV रीनलैंड सर्टिफिकेशन, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, गूगल फास्ट पेयर, इन ईयर डिटेक्शन, डुअल डिवाइस पेयरिंग, HMI ऐप का सपोर्ट, 6 माइक्रोफोन विद एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन अप टू 49 dB नॉइस रिडक्शन, IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड विद 94 ms लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप सी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 7 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 44 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। तो यहाँ पर लगभग सेम ही फीचर्स और स्पेसिफिकेशन आपको दोनों में ही देखने को मिलेंगे। सिर्फ गेमिंग लेटेंसी के मामले में Realme ज्यादा बेटर है और ओवरऑल बैटरी लाइफ के मामले में OnePlus बेटर है। लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है इनकी ऑडियो कोडेक का। Realme में आपको LDAC और OnePlus में LADC ऑडियो कोडेक मिलेगा। अभी मैं इनके टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊंगा। वैसे LDAC को सोनी ने डेवलप किया है और LADC LDAC का एक अल्टरनेटिव है, लेकिन लेटेंसी आपको LADC में थोड़ी सी कम मिलेगी। फिर भी दोनों की ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को मैं दूंगा 4.5/5 स्टार। अब बात करते हैं दोनों के एप्लीकेशन सपोर्ट की। तो Realme में आपको Realme लिंक ऐप का सपोर्ट मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आप ईयरबड्स और केस की बैटरी परसेंटेज को देख सकते हो। उसके नीचे ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड के ऑप्शंस मिलेंगे। ANC मोड में भी आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। उसके नीचे साउंड इफेक्ट्स में आपको 4 इक्वलाइजर मोड्स और कस्टम इक्वलाइजर का ऑप्शन भी मिलेगा, सो ऑडियो को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। उसके नीचे यहाँ पर गोल्डन साउंड का फीचर मिलता है, जिसमें अगर आप एक टेस्ट परफॉर्म करते हो तो आपके कानों के अकॉर्डिंग साउंड आउटपुट को सेट करता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 360 ऑडियो का फीचर मिलेगा, जिसे मैंने इसके रिव्यू वीडियो में टेस्ट किया है। सबसे मेन LDAC ऑडियो कोडेक को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। साथ ही बेस वेव को भी एडजस्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके नीचे वॉल्यूम एनहांसर का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको डुअल डिवाइस कनेक्शन, गेमिंग मोड, ईयरबड फिट टेस्ट और बटन सेटिंग के ऑप्शन मिलते हैं। इसके अलावा अदर्स में इन ईयर डिटेक्शन और ऑटो आंसर के ऑप्शन मिलेंगे। तो ये था Realme लिंक ऐप का कंप्लीट यूजर इंटरफेस। इसके अलावा OnePlus में आपको HMI ऐप का सपोर्ट मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आप ईयरबड्स और केस की बैटरी परसेंटेज देख सकते हो। उसके नीचे एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड के ऑप्शंस मिलेंगे। साउंड मास्टर इक्वलाइजर मोड में आपको 4 इक्वलाइजर मोड्स मिलते हैं। साथ ही यहाँ से बेस वेव को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो और कस्टम इक्वलाइजर का ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाएगा, तो अपने हिसाब से ऑडियो आउटपुट को भी ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको हाई रेज ऑडियो मोड को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलेगा। गोल्डन साउंड में आप एक साउंड टेस्ट को परफॉर्म करते हो तो अपने ईयर्स के अकॉर्डिंग साउंड आउटपुट को सेट करता है। उसके बाद यहाँ पर 3D ऑडियो का ऑप्शन है, जिसमें 360 ऑडियो इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद गेमिंग मोड, ड्यूअल डिवाइस कनेक्शन, ईयरबड्स फिट टेस्ट, फाइंड माय ईयरबड्स और फर्मवेयर अपडेट्स के ऑप्शंस मिलेंगे।
यहाँ नीचे की तरफ ईयरबड्स कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप अपने हिसाब से टच कंट्रोल्स को भी सेट कर सकते हो। देखो एप्लीकेशन सपोर्ट की बात करें तो दोनों में आपको कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। दोनों में लगभग सेम ही फीचर्स मिलते हैं, ज्यादा कुछ डिफरेंस दोनों में नहीं है। सो ओवरऑल दोनों की एप्लीकेशन सपोर्ट को मैं दूंगा 4.5 out of 5 star। अब बात करते हैं इनकी माइक क्वालिटी और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की। सबसे पहले इन दोनों की माइक क्वालिटी के ऑडियो सैंपल सुन लो। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो इंडोर कंडीशन में इसके माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। मेरे रूम का फैन फुल स्पीड पर ऑन है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। तो अभी हम बाहर हेवी ट्रैफिक कंडीशन में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं। बाहर ट्रैफिक की नॉइज बहुत ज्यादा है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। अभी जब आप सुन रहे हो OnePlus Buds 3 के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। तो ये माइक क्वालिटी टेस्ट है OnePlus Buds 3 का। अभी हम आउटडोर में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। सो अभी अपने इन दोनों की माइक क्वालिटी को साइड बाय साइड सुन लिया है। पर्सनली मुझे इन दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं लगा। दोनों में आपको टोटल 6 माइक्रोफोन्स मिलेंगे। इंडोर्स और आउटडोर्स दोनों ही जगह पर परफेक्टली वर्क करते हैं। सो कॉलिंग को लेकर आपको दोनों में सेम ही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात करें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की, तो इन दोनों का ANC ने कानों में पहनने के बाद ही वर्क करता है, इसलिए आपको लाइव टेस्ट करके नहीं दिखा सकता। फिर भी जितना मैंने इन दोनों को यूज किया है, पर्सनली मुझे यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं लगा। रियलमी में 50 dB और OnePlus में 49 dB का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है। मैंने दोनों के आउटडोर्स में हेवी ट्रैफिक वगैरह में टेस्ट किया है, लेकिन वहां पर भी मुझे लगभग सेम ही रिजल्ट्स देखने को मिले। सो ओवरऑल दोनों की ANC और माइक क्वालिटी को मैं दूंगा 4.5 out of 5 star। अब बात करते हैं इनके गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो रियलमी में 40 ms और OnePlus में 94 ms की लेटेंसी को क्लेम किया है, तो देखते हैं एक्चुअल में दोनों की लेटेंसी में कितना डिफरेंस है। तो ये थी दोनों की लेटेंसी और गेमिंग टेस्ट। दोनों की लेटेंसी को टेस्ट करते समय इनके हाई रेज मोड को ऑफ किया था। 94 मिलीसेकंड की लेटेंसी को OnePlus ने क्लेम किया है, लेकिन पर्सनली मुझे उससे थोड़ी सी कम ही लगी। अगर आप OnePlus का फोन यूज करते हो तो आपको लेटेंसी काफी कम देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर लेटेंसी के मामले में रियलमी OnePlus से काफी बेटर है। इनकी लेटेंसी मुझे OnePlus से स्लाइटली कम लगी, तो गेमिंग के लिए मैं आपको रियलमी को ही सजेस्ट करूंगा। तो ओवरऑल गेमिंग के लिए OnePlus को मैं दूंगा 4 out of 5 star और रियलमी को दूंगा 4.5 out of 5 star। अब बात करते हैं दोनों की बैटरी लाइफ की। तो दोनों में मैंने 100% वॉल्यूम पर इनके हाई रेज मोड को ऑन करके सॉन्ग्स को प्ले किया। लगभग 3 hours का प्लेबैक टाइम मुझे दोनों में ही मिला। अगर आप 60-70% वॉल्यूम पर इनको सुनते हो तो लगभग 4-5 hours का प्लेबैक टाइम इसमें आपको मिल जाएगा। इसके अलावा रियलमी के केस में 40 hours और OnePlus में 44 hours की बैटरी बैकअप मिलेगी, तो यहाँ पर स्लाइटली एज OnePlus को है। साथ ही दोनों में 10 minutes चार्ज से आपको 7 hours का प्लेबैक टाइम मिलता है, तो फास्ट चार्जिंग के मामले में दोनों लगभग सेम ही है। इसलिए ओवरऑल बैटरी लाइफ के लिए इन दोनों को मैं दूंगा 4.5 out of 5 star। अब बात करते हैं इनके मेन साउंड क्वालिटी की। तो इस साइकोलॉजी स्टीरियो माइक्रोफोन से इनके एग्जैक्ट ऑडियो आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले इनके वोकल्स और बेस को टेस्ट करेंगे और लास्ट में एक BGM को भी टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले वोकल टेस्ट। You're the universe and I was revolving like a sun on my own. You're the universe and I was revolving like a sun on my own. Like the girls with their nails done now. The girls with their nails done now. तो ये थी इन दोनों की एक्चुअल साउंड टेस्ट। आपको इन दोनों में से किसकी ऑडियो क्वालिटी बेटर लगी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि दोनों में से किसकी ऑडियो क्वालिटी बेटर है। देखो यहाँ पर मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ। मैंने इनको अलग अलग फोन के साथ सुन के देखा है, इवन आईफोन से भी कनेक्ट करके दोनों के म्यूजिक को बहुत टाइम तक सुना है। पर्सनली इनमें से किसी एक को विनर डिसाइड करना मेरे लिए काफी मुश्किल है। तो आप इनकी ऑडियो टेस्ट को 3-4 बार सुन लो, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि आपको इन दोनों में से किसको बाय करना है। यहाँ पर वोकल्स की बात करें तो रियलमी के वोकल्स ज्यादा शार्प और क्लियर है,
लेकिन वोकल्स की रिचनेस OnePlus की भी बेटर है। इसके अलावा बेस आपको दोनों में टॉप नॉच मिलेगा। कस्टम इक्वलाइजर के साथ आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हो, जो दोनों का ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सो ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी के मामले में दोनों ही लगभग सेम है, दोनों को मैं दूंगा 4.5 out of 5 star। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो Realme की प्राइस 5000 rupees है और OnePlus की प्राइस 5500 rupees है, लेकिन कार्ड ऑफर्स लगाकर आप OnePlus को 5000 में परचेस कर सकते हो, तो दोनों की प्राइस लगभग सेम ही हो जाती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कहूंगा कि आपको दोनों में से जो भी कम प्राइस में मिले उसके साथ आप जा सकते हो। पर्सनली यहाँ पर मैं OnePlus को चूज करूंगा क्योंकि इसका डिजाइन मुझे थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगा, लेकिन ऑडियो क्वालिटी में दोनों लगभग सेम ही है। अगर आपका बजट कम है और थोड़े से पैसे सेव करना चाहते हो तो Realme के साथ भी जा सकते हो। वैसे इन दोनों की बेस्ट बाय लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इनको डायरेक्टली चेकआउट कर पाओगे। तो ये थे OnePlus Buds 3 और Realme Buds Air 5 Pro। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।